हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, आओ रिएक्ट करें। फ्रेंड्स, आज जो मैंने सॉन्ग लिया है रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए, उस सॉन्ग का नाम है निक्के पैने बाय अमृत मान जी। मैंने अमृत मान जी के पहले भी दो सॉन्ग्स, माँ और सॉन्ग है एक है बापू सॉन्ग, उस पर भी रिएक्शन वीडियोज दिए हुए मेरे चैनल पर हैं, आप ज़रूर जाके देखिएगा। दोनों गाने बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। देखते हैं इस गाने में क्या है, तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। रिएक्शन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल आओ रिएक्ट करें को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और लाइक शेयर कमेंट करना तो बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन मेरे फ्रेंड्स। सॉन्ग का नाम है निक्के पैने बाय अमृत मान। हुण छेती पिंडिया नी होना, मैथों गेड़ा ला नी होना। कुछ सुपने तेरे लई, कुछ बेबे बापू दे साकार ता हो लैण दे, साकार ता हो लैण दे। मेरी निक्की ए भैणे नी प्यार ता हो लैण दे, मेरी ये निक्की ये भैणे नी प्यार ता हो लैण दे, प्यार ता हो लैण दे। एक वादा निक्की ए तेरे ना, बिना दसे ही आऊंगा, चाहे ट्रेंड मोबाइलां दे तैनू लिख के चिट्ठी पाऊंगा। बापू कोले चेतक तो, बापू कोले चेतक तो केरा कार ता हो लैण दे, केरा कार ता हो लैण दे। मेरी निक्की ए भैणे नी प्यार ता हो लैण दे, मेरी निक्की ए भैणे नी प्यार ता हो लैण दे, प्यार ता हो लैण दे। पहला पहला लगदा सी ए ਮੈਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਜਗਦਿਆ, ਮੁੱਲ ਕੀ ਭੈਣਾ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆ। ਜੀ ਕਰੇ ਦਿਵਾਲੀ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਪਹਿਲੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਬੇਬੇ ਲਈ ਸੂਟ ਸਵਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਢਾਈਂਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਢਾਈਂਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਪਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਏ ਭੈਣੇ ਨੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਏ ਭੈਣੇ ਨੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣੀ ਰੌਣਕ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੁਰ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਮੌਜੂ ਖੇੜੇ ਚੋਂ, ਮਾਨਾ ਮੌਜੂ ਖੇੜੇ ਚੋਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਟੋਲਣ ਦੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਟੋਲਣ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣੇ ਨੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਏ ਭੈਣੇ ਨੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਏ ਭੈਣ बहुत प्यारा सॉन्ग है। ये सॉन्ग जो है उन्होंने सिस्टर के लिए लिखा है। पहले के जो मैंने बताया ना गाने हैं, उन्होंने एक गाने में उन्होंने बापू के बारे में, फादर के बारे में, इमोशंस के बारे में, क्या फादर के साथ में रिलेशन कैसे इमोशनल, और फिर एक माँ का मैंने रिएक्शन वीडियो किया हुआ है सॉन्ग का, वो गाना भी बहुत प्यारा है। माँ से कैसे माँ के साथ में इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, कैसे मिस करते हैं माँ को, तो ये सॉन्ग भी कुछ वैसा ही सॉन्ग है। इसमें ये दिखाया गया कि जैसे वो बाहर काम करते हैं, अब्रॉड काम कर रहे हैं, तो बहन को ये बोल रहे हैं कि अभी मैं नहीं आ सकता, मैं तब आऊँगा जब कुछ मैं
पैसे इकट्ठे कर लूँगा, कुछ कमा लूँगा, तैयार हो जाऊँगा ऐसा कि मैं सबकी ज़रूरतें पूरी कर सकूँगा। वो जैसे उन्होंने बोला पहले पहले उसमें बोला शुरू शुरू में कि ये फादर हैं जो वो चेतक स्कूटर पुराना वाला स्कूटर जो है वो चला रहे हैं कि जब तक उनके लिए मैं कुछ मतलब अच्छे चेतक से अच्छी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं कर लेता तब मैं तब आऊँगा। फिर बाद में दिखाया सॉन्ग में कि बॉक्सेस बना रखे हैं जिसमें पैसे इकट्ठा करते हैं बहन के लिए, मदर के लिए, और वो और मिस करते हैं बहुत ज़्यादा अपने अपने घर वालों को मिस करते हैं, अपनी कंट्री को मिस करते हैं, अपने गांव को, अपने लोगों को मिस करते हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह पे किसी पे भी वो आ नहीं पाते हैं। तो जैसे दिवाली होता है कुछ होता है तो वो उस पे उसको अटेंड नहीं कर पाते, अपने घर आ नहीं पाते, तो वो चीज़ को बहुत मिस करते हैं वहाँ रह करके। और फिर एक उसमें बताया उन्होंने कि जब राखी का मतलब तो राखी बांधने में क्या होता है, राखी धागा बांधने में क्या इमोशन होते हैं, लेकिन अब बताया कि अब जब मैं तुमसे दूर रहता हूँ, अपनी बहन को बोल रहे हैं यहाँ रहता हूँ, तो अब मुझे समझ में आया है कि राखी का क्या मतलब होता है, एक भाई बहन के रिलेशन क्या होता है। तो ये सारे इमोशंस जो थे पूरे उन्होंने दिखाए हैं कि अब्रॉड में मैं रह रहा हूँ, मैं पैसा इकट्ठा करने के लिए गया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को, अपने गांव को, अपने भाई, अपनी बहन को, अपनी मदर को, अपने फादर को, सबको बहुत मिस करता हूँ, फेस्टिवल्स को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ जब फेस्टिवल्स आते हैं, क्योंकि मैं दूर हूँ आपसे, लेकिन मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ, फिर मैं आऊँगा। फिर बहन की शादी का भी दिखाते हैं, रिंग का दिखाते हैं, और फिर बहन भी बहुत ज़्यादा उदास हो रही है, वीडियो कॉल पर बात करवाती है बार बार, पेरेंट्स से भी करते, खुद भी करती है। तो सारे मिक्स इमोशंस जो थे उनके वो उन्होंने इस सॉन्ग में डाले हैं, और उनकी अमृतमाज की आवाज़ जो है बहुत सूट करती है ऐसे मतलब वो वाले सॉन्ग्स को, इमोशनल सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि वैसा हल्का हल्का म्यूज़िक होता है, वैसा ही पेस होता है गाने का, फास्ट नहीं होता जैसा एक इमोशनल सॉन्ग को चाहिए होता है। तो बहुत प्यारा सॉन्ग है, अगर आपने माँ और बापू वाला सॉन्ग जो है नहीं सुना तो जरूर जाकर देखिएगा, बहुत प्यारा सॉन्ग है वो भी। ये भी सॉन्ग वैसा ही है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, मीठा सॉन्ग है, इमोशनल सॉन्ग है। तो ये था फ्रेंड्स इस गाने का, हाँ जिन फ्रेंड ने मुझे गाने की रिक्वेस्ट भेजी, थैंक यू सो मच, मुझे गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रेंड्स आप भी मुझे अपने सजेशन भेज सकते हैं कि मैं और कौन कौन से गानों पर रिएक्शन वीडियो बना सकती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी अपने चैनल पर उन गानों का रिएक्शन वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिए, शेयर भी और करते रहिए आगे आगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे।